टुडे वी हैव डिस्कस हियर अबाउट नॉर्मल मैट्रिक्स। हमने देखना यह है कि कोई जो मैट्रिक्स होगा हम लोगों के पास वो नॉर्मल कब होता है। इसके लिए सबसे पहली कंडीशन तो जो मैट्रिक्स है वो कम्प्लेक्स होना चाहिए, मीन्स दैट उसमें आयोटा आना चाहिए, उसकी जो एंट्रीज उनमें आयोटा होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स सबसे पहली बात है कम्प्लेक्स होना चाहिए। और हम लोग के पास कोई मैट्रिक्स ए है वो कम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, वो नॉर्मल मैट्रिक्स कहलाता है अगर ए हो और ए का हर्मिशियन ऑफ ए को जब हम लोग मल्टीप्लाई करें हर्मिशियन ऑफ ए से वो इक्वल आए, जब ए हर्मिशियन ऑफ ए को मल्टीप्लाई करें ए से, मीन्स दैट जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें उसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, दोनों साइड्स का इक्वल आंसर आना चाहिए। नॉर्मल मैट्रिक्स में हम लोगों ने सबसे पहले तो कोई जो मैट्रिक्स लेना है वो कम्प्लेक्स मैट्रिक्स होना चाहिए और वो नॉर्मल कहलाता है अगर ए को जब हम लोग ए के हर्मिशियन के साथ मल्टीप्लाई करें या ए के हर्मिशियन को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोनों साइड्स का जो आंसर है वो इक्वल आना चाहिए, इक्वल आए तो उसे नॉर्मल मैट्रिक्स कहेंगे कि ये मैट्रिक्स नॉर्मल है। हर्मिशियन के लिए हम लोगों को ए के हर्मिशियन को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले ए की बार फाइंड करते हैं और उसके बाद हम लोग उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये हम लोग एक हर्मिशियन फाइंड करने के लिए करते हैं, हर्मिशियन के लिए ये चीज़ कर देते हैं और फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर चेक करते हैं कि अगर ए को जब ए के हर्मिशियन से मल्टीप्लाई करें या ए के हर्मिशियन को ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इक्वल आ रहा हो, तो दिस मीन्स दैट कि जो मैट्रिक्स है वो नॉर्मल है। अब हम लोगों के पास मस्ट भी कम्प्लेक्स मैट्रिक्स होना चाहिए। कोई मैट्रिक्स अगर लेते हैं 2+ इधर 1+ इधर 0 तो ये जब हम लोग हर्मिशियन फाइंड करने का थोड़ा सा मैं आप लोगों को तरीका बता देती हूँ कि बार किस तरह फाइंड करते हैं। ये हमने ए इसको ए का नाम दे दिया ना, ए बार जब हम लोग करेंगे तो इस पर जो रियल नंबर है उसका कंजुगेट तो रियल नंबर ही होता है बट जो आयोटा है वाला होता है उसका साइन चेंज होता है, प्लस आयोटा था माइनस आयोटा, जीरो एज इट इज़ इधर भी जीरो एज इट इज़, इधर भी रियल नंबर एज इट इज़ आ जाएगा और जो आयोटा वाला उसका साइन चेंज हो जाना है। बाहर इस तरह ले लिया, फिर ट्रांसपोज लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रोज चेंज इंटू कॉलम, फर्स्ट रो चेंज इंटू फर्स्ट कॉलम एंड द सेकेंड रो चेंज इंटू सेकेंड कॉलम। ये आ गया ए का हर्मिशियन, इस तरह से इसको कर सकते हैं या इसको हम लोग ए हर्मिशियन भी लिख सकते हैं डायरेक्ट से। तो ये ए हर्मिशियन आ गया, फिर जब इसको हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए हर्मिशियन को या ए हर्मिशियन को ए से मल्टीप्लाई